नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। नगर निगम चुनाव की तिथि और आरक्षित सीटों की घोषणा के साथ ही शहर के कई लोग हताश हो गए हैं। बीते 6 माह की उनकी मेहनत व धन दोनों ही बेकार साबित हो गई। कई लोग अपने पक्ष माहौल तैयार करने के लिए धन भी खर्चा करने लगे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक पद सामान्य होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। गया निगम के दोनों पदों पर अजा को आरक्षण दिए जाने की बात सामने आते ही महीनों से चुनाव की तैयारी में मैदान में कसरत कर रहे रवि बर्णवाल ने हाई कोर्ट की ओर रुख कर दिया है। वह अब हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनकी याचिका दाखिल हो जाएगी। रवि बर्णवाल का कहना है कि सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार करते हुए नगर निगम चुनाव में मेयर व डिप्टी मेयर की सीटों को आरक्षित किए जाने का बड़ा खेल खेला है। उनका कहना है कि एकाल पद पर आरक्षण की कोई व्यवस्था संविधान में है ही नहीं। इसके अलावा 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके गया नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पर पद पूरी तरह से अजा के नाम पर आरक्षित कर दिया गया। सरकार को चाहिए था कि सामान्य और ओबीसी को ध्यान में रखते हुए दोनों में से कोई एक पद समान रखना चाहिए था, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र के तहत ऐसा नहीं किया। दरअसल नगर निगम के मेयर व उप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के मूड में शहर के विभिन्न इलाकों से एक दर्जन से अधिक लोग खम ठोकने में जुटे थे। कई लोग अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए थे, तो वहीं कई लोग प्रचार प्रसार और रोड शो करने में भी लगे थे। लेकिन जैसे ही सीट अजा के नाम पर दोनों सीट आरक्षित किए जाने की बात सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई, वैसे ही उनका भविष्य अधर में लटक गया। वो अब अपना ठोर ढूंढने में जुट गए हैं। आप लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, आप लोग स्टेट चैनल हैं, कई जिलों में कई नगर निगम में लोग मेहनत कर रहे थे काम करने के लिए, और परिस्थिति जो है आरक्षण का खेल जो सरकार खेलती थी वो अपना पूर्ण रूपेण ड्रामाबाजी लागू कर दिया गया। आज जो है हम जानना चाहते हैं राज्य के सरकार से कि ये देश के संविधान से ये देश चल रहा है कि किन्हीं के मन से देश चल रहा है, ये राज्य चल रहा है, क्योंकि देश के संविधान के अंदर राज्य है ना। तो भारत देश के जो संविधान में है उसके 35 एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि एकल पोस्ट पर आरक्षण नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, जिस तरह के भी मंत्री जी हैं उस पर नहीं होगा। एक्ट 29 में लिखा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। तो ये ओबीसी और ये जनरल जो है उसके साथ सरासर गया में मजाक किया गया ना। दोनों के दोनों सीट मेयर डिप्टी मेयर 100% आरक्षण, 100% आरक्षण दिया गया। मैं आरक्षण के खिलाफ में नहीं हूं, क्योंकि ये आप लोग बढ़िया से जान लीजिए कि जिनको मिला है आज, अगली बार ये भी हो सकता है कि दोनों अति पिछड़ा हो जाए, या हो सकता है कि दोनों जनरल हो जाए। ये तो राजनीति का खेल है। हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर रहे हैं सोमवार को, समझ गए, पूरे गया के जनता के लिए कि आगे कोई सरकार इसके साथ नाजायज न कर सके, किसी के साथ नहीं, चाहे वो भी सी हो, जनरल हो, एससी एसटी हो, किसी के साथ नहीं। जब हो तो बंटवारा हो भाई, ये देश सभी का है, ये राज्य सभी का है। राज्य सरकार अकेले निर्णय कैसे ले लेगी, इस शहरवासी यहाँ पर निर्णय लेने की बात थी, समझ गए। साजिश लगता है कि नौकरशाही। आपको लगता है कि बिहार में अभी को कहीं ऑफिस में जाना पड़े या राज्य के मुख्यमंत्री सिविल ड्रेस में चल जाए ना, खाली अब मास्क उस्क लगे ले रहे हैं ना, निखे मुख्यमंत्री नियम, अब कहे कि हमारा ऑफिस में को काम है, अगर ना मांग दिया घूस तो कह दीजिएगा मुख्यमंत्री महोदय, खाली मास्क उस्क लगा के इतना पगड़ी उगड़ी बांध करके चल जाएगी कि नीतीश कुमार दिखना नहीं चाहिए। लाइए ना सर, हम ऐसी करवा देते हैं। अरे मृत्यु प्रमाण पत्र तो बहने नहीं करता है बिना घूस का, और बाकी का बात तो अलग का बात है। इसलिए ये दाखिल भी होगा, और वहाँ से पटना से जब मैं लौटूंगा तो शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा। जहाँ जनरल का मोहल्ला है वहाँ चलेगा, जहाँ ओबीसी का मोहल्ला है वहाँ चलेगा, सारे लोग मिलकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।